नमस्कार दोस्तों, तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के फॉर्चूनर एजेंसी के अंदर से ये तस्वीरें देख पा रहे हैं। 45 दिन बाद लगभग 45 दिन पहले ये गाड़ी एक्सीडेंट होती है, उसके बाद इसे रिपेयर के लिए इंश्योरेंस कंपनी पूरे शोरूम में फॉर्चूनर के शोरूम में पहुंचाती है, जिसके बाद 45 दिन तक आज तक कस्टमर चक्कर काट रहा है और कंपनी उसे इंश्योरेंस कंपनी कह रही कि आपकी गाड़ी टोटल लॉस हो चुकी है। क्या आगे से लगने के कारण, ये देखिए आगे से ये गाड़ी इतनी लगी हुई है, इतनी सी लगने के कारण ये गाड़ी टोटल लॉस हो सकती है, ये एक बड़ा सवाल बन चुका है। अब गाड़ी की कीमत 2017 मॉडल ये है, उस समय इस गाड़ी की कीमत 35 लाख थी, आज की तारीख की बात करें तो इस गाड़ी की कीमत लगभग 50 लाख हो चुकी है। अब कंपनी जो है इनके ऊपर, ग्राहक के ऊपर दबाव बना रही है कि इस गाड़ी को टोटल लॉस कर दिया जाए, टोटल लॉस करके जो इसकी कीमत है वो ले ली जाए, पर ग्राहक इसको ठीक कराने के लिए तैयार है। लगभग 12 लाख रुपए एस्टिमेट बनाया है इसको रिपेयर करने का, तो ग्राहक देने के लिए तैयार है। ग्राहक का साफ तौर पर यह कहना भी, अगर 12 लाख से ऊपर भी 2-3 लाख लगेंगे तो मैं देने के लिए तैयार हूं, मैं गाड़ी टोटल लॉस नहीं कराऊंगा। पुलिस को बुलाया जाता है, डायरेक्ट 112 की टीमें मौके पर पहुंच जाती हैं, मालिक से बातचीत करने का पूरा प्रयास करेंगे। फिलहाल मालिक को यह कहा गया कि आपकी गाड़ी बेच दी गई है, आप आके यहां पर साइन कर दीजिए। मालिक को जब गुस्सा चढ़ता है तो वो गाड़ी के शोरूम के बाहर अपनी गाड़ी लगा लेता है गेट पर, और पूरा जो शोरूम है उसे ब्लॉक कर दिया जाता है, जिसके बाद पुलिस की तमाम टीमें मौके पर पहुंच जाती हैं। इसकी लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं, देख सकते हैं लगते थाने से आईओ जो हैं वो मौके पर पहुंच चुके हैं। फॉर्च्यूनर गाड़ी की तस्वीरें फिर से आप देख लीजिए, फॉर्च्यूनर गाड़ी है 2017 मॉडल, इसे टोटल लॉस किया जा रहा है। क्या इस अवस्था में इसे टोटल लॉस किया जा सकता है, एक बड़ा सवाल है। इंश्योरेंस कंपनी क्यों दबाव बना रही है इसको टोटल लॉस करने में, यह बड़ा सवाल है। जी हां, मालिक भी ये चाहते हैं कि हम इसे रिपेयर कराएंगे, हम इसे टोटल लॉस नहीं कराना चाहते। मालिक से जानने का प्रयास करते हैं कि इस खबर को आप शेयर जरूर करते रहे। मैंने फोन कर दिया, उठा के ले आए यहाँ इंश्योरेंस की वजह से, उठा के अंदर खड़ी कर दी। डेढ़ महीने से हम, मेरे ख्याल तो 50 चक्कर लगा चुके हैं, हो जाएगी रिपेयरिंग, हो जाएगी रिपेयरिंग, हो जाएगी। फिर बाद में क्या लगे, हमारे पास मैसेज आया कि आपकी गाड़ी तो टोटल लॉस हम पैसे दे रहे हैं। हम बोले हम टोटल लॉस लेना नहीं चाहते, हम तो रिपेयरिंग कराएंगे, हम क्यों लेंगे टोटल लॉस। तो ये कह रहे हैं अक भाई, वो कंपनी वाले कह रहे हैं इंश्योरेंस वाले, हमने इंश्योरेंस कंपनी से कराया टोयोटा से, ना कि हमने कहीं और से। ये मालिक है करने वाले या ब्रोकर हो चाहे जो, तो हम कहते हैं हमारी रिपेयरिंग करो। ये कहते हैं जी 75% के बाद कंपनी वाले पैसे नहीं देते, 75% तुम दे दो, बाकी हम देने के लिए तैयार बैठे हैं। तो आपने कोई कंप्लेंट दी थी सर? हाँ, सब गुजरिया, मेल भी कर ली, इनके पास आ लिया हम। नहीं, इनके पास नहीं, जैसे अब पुलिस को देना होता था। अच्छा, इसके बारे पुलिस को कंप्लेंट की आपने? पुलिस को नहीं, कंप्लेंट नहीं थी सर। स्टोरी आज ही बनी सर, उससे पहले ही आपने जाम लगा दिया सर। वो जाम क्यों लगा है, इनका हमारे पास फोन आता है, अगर आपकी गाड़ी हमने बेच दी साइन कर दो। चलो कंप्लेंट दो आप जो भी लिखना, लेकिन जाम ऐसे नहीं, आप कंप्लेंट दो, जो भी कानूनी कार्रवाई बनेगी आपकी, आप कंप्लेंट दो, जो भी तो कार्रवाई बनेगी आपके, जो भी को आप कंप्लेंट दो। जो जिस ने मेरे गाड़ी किस लिए बेची पहले ये तो पूछो ना। आपका जो भी फैसला करके लिख के दे दो, जिस हिसाब से जुर्म बनेगा हम उसकी कार्रवाई करेंगे। आप कंप्लेंट दो लिख के, ठीक है, जो भी कंप्लेंट बनती आप अपने लिख के दो, जो आपके साथ हुआ वही बात लिख के दे दो। आपकी गाड़ी बेची है, आपने जो भी कुछ किया, आपका इंश्योरेंस नहीं देता, अपना पूरी कंप्लेंट रिपोर्ट लिख के हमारे को दो। ठीक है, इससे बड़ी बात क्या है जी, आप अपनी कंप्लेंट दीजिए, ताकि कंप्लेंट दो, जो भी आपकी है कार्रवाई होगी अपने आप। ठीक, भी कंप्लेंट दे, पुलिस प्रशासन बैठा है या सारा प्रशासन बैठा है, ये इसी के लिए तो बैठे हैं हम, पब्लिक की सुविधा के लिए तो है। हाँ, किसी को कोई दुख दर्द है, मान लो सामान जाएगा पुलिस पे जाएगा, डीसी पे जाएगा, उसमें से इसीलिए तो सुनेगा आपकी, हम आपके लिए तो हैं। आप हमारी कोई भी कंप्लेंट दोगे जब भी तो हम सुनेंगे, आप लिखित रूप में अपनी रिपोर्ट दो, जो भी कानूनी साहब थे हम कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं। वो कार्रवाई कितने दिन में हो जाएगी जी? तो ये आप कंप्लेंट तो दो पहले ही, कंप्लेंट तो अभी 10-15 मिनट में दे, इनको भी दे रखी सर, डेढ़ महीने से, डेढ़ महीने के बाद ये कदम उठाया गया जी। पुलिस प्रशासन इसलिए नहीं बनाया, पुलिस प्रशासन ही तो कार्रवाई के लिए बनाया है। ठीक है सर, आप कंप्लेंट अपने पुलिस को दी, कंप्लेंट हुई नहीं दी, मैं मना कर रहा हूँ, मैंने कंप्लेंट नहीं दी ना, जब भी तो कार्रवाई होगी। कानूनी कार्रवाई करने की तो केवल पुलिस को अधिकार है जी, और किसी को और नहीं, कानूनी तो पुलिस को अधिकार है। अब कानून की कार्रवाई के लिए तो करवा रहे हो, जो भी कानून की कार्रवाई कराओगे तो पुलिस ही करेगी। ठीक है जी, क्यों समझोगे बात, फिर आप कानूनी कार्रवाई करना चाहते हो इसलिए कंप्लेंट दो, कंप्लेंट देगा अपने जो भी कानूनी बनती है दो, कंप्लेंट आज कंप्लेंट दे दी तो इसकी कार्रवाई हमने, रिजल्ट कब तक मिल जाएगा?
ये सारे कस्टमर है सर, मैं नहीं हूँ भाई। हाँ जी, हाँ जी, ऐसा नहीं होता। अभी दबाओ, 3 घंटे हो गए इनके इंश्योरेंस वाले का। चलो एक मिनट, फिर यार तो 3 घंटे बिता करता हम आगे पुलिस प्रशासन है, कोई मेरे कंप्लीट उसने बोला लो जो का डिबेट चलाओ वो तो उन्होंने तो बोलवा लो। चलो उसका भी आपके पास ही एप्लीकेशन देंगे हम, आप भी बुलाओगे, एक एप्लीकेशन आपको दे देते हैं। वो तो कोई बात नहीं, आप अपनी केस लिख के दो, जो भी कार्रवाई बनते हम चलते हैं, लेकिन ये तो खोलू ना, ऐसा तो ठीक नहीं। चलो तो ये कुछ तो देंगे सर हमारे को लिखे, ये भी तो देंगे कुछ लिखे, ये तो कुछ लिखे। हम अपनी कंप्लेंट दिखा, हम इसको वहीं बुलाएंगे थाने में, वहाँ बुलाएंगे ना दोनों पार्टियों को। ले भाई तुम भी दो, आप कंप्लेंट दो, हम बुलाएंगे इनको, या हम जाएंगे SHO साहब, DSP साहब, जो भी कुछ, इसलिए तो बैठे हैं। आप कंप्लेंट तो दो लिखकर। चलो ठीक है जी, कंप्लेंट दो, कंप्लेंट लिख के दो। पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है, देख सकते किस तरह से सर इनके तरह आरोप लगाए जा रहे हैं कि गाड़ी बेच दी, इनकी गाड़ी बेची है। सर गाड़ी नहीं बेची, गाड़ी ये खड़ी है सर, ये गाड़ी भी नहीं बेची, और ये इवन में आपको नहीं सर बताओ फिर हमारे पास फोन क्यों आया है। बाबूजी सुनो, वो फोन थर्ड पार्टी क्या करती है, वो पूछती है शोर कभी आप गाड़ी में बेचे जो क्या बेचना चाहो। नहीं नहीं सर, ये नहीं, हमारे को ये कह गया साइन करो, हमने गाड़ी खरीद ली है। मर्जी तो साइन करने के लिए अब एक मिनट, अब तो कोई ऐसी बात नहीं, आप कंप्लेंट दो, जो भी कानूनी कार्रवाई कर देंगे बस। ठीक है सर, देख सकते हैं पुलिस की टीमें पहुंच गई हैं, देख सकते हैं जाम लगा दिया गया था, ये देख सकते हैं एक्सीडेंट हुआ है, तो इंश्योरेंस कंपनी ने कहा कि गाड़ी के ना टोटल जो पैसे है वो कंप्लीट देंगे, तो वो उसके चक्कर में उन्होंने मेल भी किया है, तो वो बातचीत ये कह रहे कि हम लोग इसको रिपेयर करवाएंगे। हमें ठीक है रिपेयर कराएंगे, तो उसके लिए बैठ के जो होगा डिसीजन वो मतलब फाइनल होगा, तो वो उन्होंने मेल भी हुई है यहाँ से, तो भी डिसीजन उनकी तरफ से ये है कि हम इसको टोटल लॉस करेंगे, हम कह रहे इसको रिपेयर करेंगे। कहाँ हुआ एक्सीडेंट, ये तो कहाँ हुआ ग्रुंडा, कौन है जो ये कहने वाला? इंश्योरेंस कंपनी है, बताओ ना कौन है वो कहने वाला, बताओ कौन है। इंश्योरेंस कंपनी यहाँ नहीं है कि मतलब उनको कॉल किया, जो जो दो लगा रहे हैं ना जाम, कौन है इनका हेड वो बुला मेरे को। ये जो गाड़ी मैंने लगा रखी, मैंने लगा रखी, ऐसा है जी मेरी गाड़ी 1.5 महीना पहले एक्सीडेंट हुई थी, 1.5 महीने से यहाँ खड़ी है। क्या काम करते हो? मैं शराब का काम करता हूँ, ठेकेदार हूँ। अच्छा जी, कहाँ हुई थी एक्सीडेंट? गाड़ी ग्रोंडा। नमस्कार दोस्तों, तस्वीरें देख रहे करनाल के फॉर्चुनर सर एजेंसी के अंदर से ये तस्वीरें देख पा रहे हैं। 45 दिन पहले ये गाड़ी एक्सीडेंट होती है, उसके बाद इसे रिपेयर के लिए इंश्योरेंस कंपनी पूरे शोरूम में, फॉर्चुनर के शोरूम में पहुंचाती है, जिसके बाद 45 दिन तक आज तक कस्टमर चक्कर काट रहा है, और कंपनी उसे इंश्योरेंस कंपनी कह रही कि आपकी गाड़ी टोटल लॉस हो चुकी है। क्या आगे से लगने के कारण, ये देखिए आगे से ये गाड़ी इतनी लगी हुई है, इतनी सी लगने के कारण ये गाड़ी टोटल लॉस हो सकती है, ये एक बड़ा सवाल बन चुका है। अब गाड़ी की कीमत 2017 मॉडल ये है, उस समय इस गाड़ी की कीमत 35 लाख थी, आज की तारीख की बात करें तो इस गाड़ी की कीमत 50 लाख हो चुकी है। अब कंपनी जो है इनके ऊपर, ग्राहक के ऊपर दबाव बना रही है कि इस गाड़ी को टोटल लॉस कर दिया जाए, टोटल लॉस करके जो इसकी कीमत है वो ले ली जाए, पर ग्राहक इसको ठीक कराने के लिए तैयार है। लगभग 12 लाख रुपए एस्टीमेट बनाया है इसको रिपेयर करने का, तो ग्राहक देने के लिए तैयार है। ग्राहक का साफ तौर पर यह कहना भी, अगर 12 लाख से ऊपर भी 2-3 लाख लगेंगे तो मैं देने के लिए तैयार हूं, मैं गाड़ी टोटल लॉस नहीं कराऊंगा। पुलिस को बुलाया जाता है, डायरेक्ट 112 की टीमें मौके पर पहुंच जाती हैं, मालिक से बातचीत करने का पूरा प्रयास करेंगे। फिलहाल मालिक को यह कहा गया कि आपकी गाड़ी बेच दी गई है, आप आके यहां पर साइन कर दीजिए। मालिक को जब गुस्सा चढ़ता है तो वो गाड़ी के शोरूम के बाहर अपनी गाड़ी लगा लेता है गेट पर, और पूरा जो शोरूम है उसे ब्लॉक कर दिया जाता है, जिसके बाद पुलिस की तमाम टीमें मौके पर पहुंच जाती हैं। इसकी लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं, देख सकते हैं लगते थाने से IO जो हैं वो मौके पर पहुंच चुके हैं। फॉर्च्यूनर गाड़ी की तस्वीरें फिर से आप देख लीजिए, ये फॉर्च्यूनर गाड़ी है 2017 मॉडल, इसे टोटल लॉस किया जा रहा है, क्या इस अवस्था में इसे टोटल लॉस किया जा सकता है, एक बड़ा सवाल है। इंश्योरेंस कंपनी क्यों दबाव बना रही है इसको टोटल लॉस करने में, ये बड़ा सवाल है। जी हाँ, मालिक भी ये चाहते हैं कि हम इसे रिपेयर कराएंगे, हम इसे टोटल लॉस नहीं कराना चाहते। मालिक से जानने का प्रयास करते हैं, क्या इस खबर को आप शेयर जरूर करते रहे। मैंने फोन कर दिया, उठा के ले आए यहाँ इंश्योरेंस की वजह से, उठा के अंदर खड़ी कर दी। 1.5 महीने से हम, मेरे ख्याल तो 50 चक्कर लगा चुके हैं,
हो जाएगी रिपेयरिंग। फिर बाद में क्या लगे, हमारे पास मैसेज आया कि आपकी गाड़ी तो टोटल लॉस, हम पैसे दे रहे हैं। हम बोले हम टोटल लॉस लेना नहीं चाहते, हम तो रिपेयरिंग कराएंगे, हम क्यों लेंगे टोटल लॉस। तो ये कह रहे हैं अक भाई, वो कंपनी वाले कह रहे हैं इंश्योरेंस वाले, हमने इंश्योरेंस कंपनी से कराया टोयोटा से, ना कि हमने कहीं और से। ये मालिक है करने वाले या ब्रोकर हो चाहे कोई, तो हम कहते हैं हमारी रिपेयरिंग करो। ये कहते हैं जी 75% के बाद कंपनी वाले पैसे नहीं देते। 75% तुम दे दो, बाकी हम देने के लिए तैयार बैठे हैं। तो आपने कोई कंप्लेंट दी थी सर? हाँ, सब कुछ दे दिया, मेल भी कर ली इनके पास, आ लिए हम इनके पास नहीं, जैसे अब पुलिस को देना होता था। अच्छा, इसके बारे पुलिस को कंप्लेंट की आपने? पुलिस को नहीं कंप्लेंट नहीं थी सर। स्टोरी आज ही बनी सर, उससे पहले ही अपने जाम लगा दिया सर। वो जाम क्यों लगा है, इनका हमारे पास फोन आता है, अगर आपकी गाड़ी हमने बेच दी साइन कर दो। चलो कंप्लेंट दो आप जो भी लिखना, लेकिन जाम ऐसे नहीं, आप कंप्लेंट दो, जो भी कानूनी कार्रवाई बनेगी आपकी, आप कंप्लेंट दो, जो भी तो कार्रवाई बनेगी आपके, जो भी को आप कंप्लेंट दो। जो जिस सब ने मेरे गाड़ी किस लिए बेची पहले ये तो पूछो ना। इंसान बेची नहीं सर, बेची आपका जो भी ऑफेंस करके लिख के दे दो। अच्छा, जिस सब से जुर्म बनेगा हम उसकी कार्रवाई करेंगे, आप कंप्लेंट दो लिख के। ठीक है, जो भी कंप्लेंट बनती है आप अपने लिख के दे दो, आपके साथ हुआ वही बात लिख के दे दो। आपकी गाड़ी बेची है, आपने जो भी कुछ किया, आपका इंश्योरेंस नहीं देता, अपना पूरी कंप्लेंट रिपोर्ट लिख के हमारे को दो। ठीक है, इससे बड़ी बात क्या है जी, आप अपनी कंप्लेंट दीजिए, कंप्लेंट दो जो भी आपकी है, कार्रवाई होगी अपने आप। ठीक है, कंप्लेंट दे, पुलिस प्रशासन बैठा है या सारा प्रशासन बैठा है, ये इसी के लिए तो बैठा है, हम पब्लिक की सुविधा के लिए तो है। हाँ। किसी को कोई दुख दर्द है, मान लो समान जाएगा पुलिस पे जाएगा, डीसी पे जाएगा, उस समस्या इसीलिए तो सुनेगा आपकी, हम आपके लिए तो हैं। आप हमारी कोई भी कंप्लेंट दोगे जब भी तो हम सुनेंगे, आप लिखित रूप में अपनी रिपोर्ट दो, जो भी कानूनी साहब हम कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं। वो कार्रवाई कितने दिन में हो जाएगी जी? भाई आप कंप्लेंट तो दो पहले ही, कंप्लेंट तो अभी 10-15 महीने पहले इनको भी दे रखी सर, 1.5 महीने से, 1.5 महीने के बाद ये कदम उठाया गया जी। पुलिस प्रशासन इसलिए नहीं बनाया, पुलिस प्रशासन ही तो कार्रवाई के लिए बनाया है। ठीक है सर, आप कंप्लेंट अपने पुलिस को दी, कंप्लेंट हुई? नहीं दी, मैं मना कर रहा हूँ, मैंने कंप्लेंट नहीं दी ना, जब भी तो कार्रवाई होगी। कानूनी कार्रवाई करने की तो केवल पुलिस को अधिकार है जी, और किसी को और नहीं, कानूनी तो पुलिस को अधिकार है। अब कानून की कार्रवाई के लिए तो करवा रहे हो, जो भी कानून की कार्रवाई कराओगे तो पुलिस ही करेगी। ठीक है जी, क्यों समझो बात, फिर आप कानूनी कार्रवाई करना चाहते हो, कंप्लेंट दो, कंप्लेंट देगा अपने जो भी उन्होंने बनती है दो, कंप्लेंट लिख के। आज कंप्लेंट दे दी तो इसकी कार्रवाई हमने, रिजल्ट कब तक मिल जाएगा? ये सारे कस्टमर है सर, मैं नहीं हूँ भाईचारे में। हाँ भाई, हाँ जी, हाँ जी, ऐसा नहीं होता। अभी 3 घंटे हो गए इनके इंश्योरेंस वाले तो चलो, 3 घंटे विचार करता, हम आ गए पुलिस प्रशासन है, कोई मेरे कंप्लीट उसने बोला लो 900 गाड़ी बेच चुका हूं उठाओ, वो तो उन्होंने तो बुलवा लो। चलो उसका भी आपके पास ही एप्लीकेशन देंगे हम, आप ही बुलाओगे, एक एप्लीकेशन आपको दे देते हैं, वो तो कोई बात नहीं, आप अपनी केस लिख के दो, जो भी कार्रवाई बनते हम चलते हैं, लेकिन ये तो खोलू ना, ऐसा तो ठीक नहीं। चलो तो ये कुछ तो देंगे सर, हमारे को लिखे, ये भी तो देंगे कुछ लिखे, ये तो कुछ लिखे, हम अपनी कंप्लेंट दिखा, हम इसको वहीं बुलाएंगे थाने में, वहाँ बुलाएंगे ना दोनों पट्टों को, ले भाई तुम भी दो, आप कंप्लेंट दो, हम बुलाएंगे इनको, या हम जाएंगे SHO साहब एंड DSP साहब जो भी कुछ, इसलिए तो बैठे हैं, आप कंप्लेंट तो दो लिख कर। चलो ठीक है जी, कंप्लेंट दो, कंप्लेंट लिख के दो। पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है, देख सकते किस तरह से सर इनके तरह आरोप लगाए जा रहे हैं कि गाड़ी बेच दी, इनकी गाड़ी बेची है सर, गाड़ी नहीं बेची, गाड़ी यही खड़ी है सर, ये गाड़ी भी नहीं बेची, और ये इवन में आपको नहीं 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 सर 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 बताओ फिर हमारे पास फोन क्यों आया है? बाबूजी सुनो, वो फोन थर्ड पार्टी के क्या करती है, वो पूछती है इंश्योरेंस कभी आप गाड़ी में बेचे जो क्या बेचना चाहो, नहीं नहीं सर ये नहीं, हमारे को ये कह गया साइन करो, हमने गाड़ी खरीद ली है, मर्जी तो साइन करने के लिए पुलिस की टीमें पहुंच गई है, देख सकते हैं जाम लगा दिया गया था, ये देख सकते हैं एक्सीडेंट हुआ तो इंश्योरेंस कंपनी ने कहा कि गाड़ी के ना टोटल जो पैसे है वो कंप्लीट देंगे, तो वो उसके चक्कर में उन्होंने मेल भी किया, तो वो बातचीत ये कह रहे कि हम लोग इसको रिपेयर करवाएंगे, हमें ठीक है रिपेयर कराएंगे, तो उसके लिए बैठ के जो होगा इसी ने वो मतलब फाइनल होगा, तो वो उन्होंने मेल भी हुई है यहाँ से, तो भी डिसीजन उनकी तरफ से ये है कि हम इसको टोटल लॉस करेंगे, हम क्या इसको रिपेयर करेंगे। कहाँ हुआ एक्सीडेंट? ये तो कहाँ हुआ? कौन है जो ये कहने वाला?
इंश्योरेंस कंपनी है। बताओ ना कौन आया कहने वाला, बताओ कौन है इंश्योरेंस कंपनी यहाँ नहीं है कि मतलब उनको कॉल किया ये जो जो दो लगा रहे हैं ना जाम, कौन है इनका हेड वो बुलाओ मेरे को। जो गाड़ी मैंने लगा रखी मैंने लगाई ऐसा है जी, मेरी गाड़ी डेढ़ महीना पहले एक्सीडेंट हुई थी, डेढ़ महीने से यहाँ खड़ी है। क्या काम करते हो? मैं शराब का काम करता हूँ, ठेकेदार हूँ। अच्छा जी, कहाँ हुई थी एक्सीडेंट गाड़ी? गाड़ी गरोंडा गरोंडा।